सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि काजूची का उकाड़ा क्या WWE में रिटर्न्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, आपको इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, आपको अगर काजूची का उकाड़ा नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये 7-स्टार मैच होल्डर है जिन्होंने 7 स्टार का मैच दिया था अगेंस्ट केनी ओमेगा के। दोस्तों, केनी ओमेगा से ये हार गए थे और अपना 2 साल का चैम्पियनशिप रिंग्स। हाँ दोस्तों, NJPW के 2 साल तक चैम्पियन थे हेवी वेट, और हाँ उनकी स्ट्राइक तोड़ी केनी ओमेगा ने 2 साल की। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि ये रिटर्न्स करेंगे या नहीं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि रॉयल रंबल आ रहा है, रॉयल रंबल अब होने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। क्या रॉयल रंबल में आएंगे दोस्तों? चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि WWE हमें शॉक देना चाहती है। रॉयल रंबल में एक बहुत बड़ा रिटर्न्स करवाना चाहती है। अगर रॉयल रंबल में वो नहीं आते हैं दोस्तों, तो वो WWE में बहुत जल्द अपना रिटर्न्स कर सकते हैं, काजूची का उकाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रेसलर है, बहुत कड़ी टक्कर देते, हर किसी को जल्दी से हारने मानते दोस्तों। और इनके हर एक मैच काफ़ी लाजवाब है। मैंने अभी तक इनके जितने मैच देखा है NJPW के, मुझे सभी मैच लाजवाब लगे दोस्तों। इन्होंने बहुत फेम पा ली है बहुत कम उम्र में दोस्तों। ये सिर्फ 31 साल के, 31 ईयर्स ओल्ड, और बहुत ज़बरदस्त रेसलर बन चुके हैं इतने कम उम्र में। लाजवाब है ना दोस्तों। चलो, और दोस्तों रॉयल रंबल करीब आ रहा है, शायद वो रॉयल रंबल में रिटर्न्स कर सकते हैं दोस्तों, वो रॉयल रंबल में। या अगर रॉयल रंबल नहीं आता है तो निराश मत होइए, वो बहुत जल्द WWE में आने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसी खबर मिल रही है कि केनी ओमेगा भी बहुत जल्द WWE ज्वाइन करने वाले हैं, और उनकी ड्रीम मैच है सेथ रॉलिंस के। अगर रॉयल रंबल में काजूची का उकाड़ा आते हैं तो ये बहुत बड़ा रिटर्न्स होगा दोस्तों। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। आपको ये जानकारी कुछ काम की लगी होंगी तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।